देखिए हमें कौन मिला है, हमें मिला है इंस्टाग्राम ब्लॉगर। हम रंगोली बना के खत्म कर चुके हैं, वो अलग बात है, हमें 2 घंटे लग गए और ये बनी है हमारी रंगोली। कुछ भाई आज पटाखे ऊपर गिर गए तो मेरे से भागा नहीं जाएगा क्योंकि ओ भाई भगवान इतनी जल्दी नहीं सुननी होती है। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम अगेन एक और टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज टूर्नामेंट जो है वो थोड़ा दूर है। हम जा रहे हैं भोरन साइड दो नाम की जगह पे, और एक गाड़ी हम जा रहे हैं रज्जी के साथ, एक गाड़ी रज्जू की है, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो गाइस ये देखिए, अभी हम बस ब्रालेडी से जस्ट निकले हैं और रास्ते में बताते हैं पूरे आज मैच का आपको मुआयना करवाएंगे। पंचायत लेवल टूर्नामेंट है तो जितनी भी पंचायत की टीमें आई हुई हैं वो खेलेंगी और आई होप जीत के आएंगे। बाकी देखते हैं क्या बनता है और बने रहिए ब्रो। गाइस अभी हम पहुंचे हैं कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के पास और बस 20 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है और पहुंच के बताते फिर। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं डो में और अभी आ चुके हैं, अपनी टीम के खिलाड़ी बैठ चुके हैं यहां पे और दो टीमें बनाई जा रही हैं। टीमों के नाम अभी डिसाइड नहीं हो रहे कौन कौन खेलेंगे, और हाँ गाइस अभी चला हुआ है एक समीरपुर का और एक दूसरी कौन सी है, बस्सी टीम का मैच लोकल है, समीरपुर और बजड़ो का मैच। और बजड़ो एक सेट जीत चुके हैं, समीरपुर वाले एक सेट हार चुके हैं और ये अपनी टीम अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए सभी गर्म हैं, शालू है, दो टीमें तैयार हो गई हैं हमारी। देखो 2 पॉइंट की लीड लेती हुई तो गाइस पहला मुकाबला जीत चुके हैं हम और अब हमारी दूसरी टीम का मैच है थोड़ी देर में हमारे कैप्टन साहब रजत जी का। अच्छी रैली, क्या बनता है, बहुत अच्छा सुंदर डिफेंस किया था, लेकिन यहाँ पे एक और टीम का मैच चला हुआ है उसको फिर से जबरदस्त रैली चली और एक पॉइंट अर्जित किया जो टीम ने। गाइस अब हम खाना खाने बैठे, भात बना हुआ है, दाम पूरी, हमारी टीम पूरी की पूरी भात खाएगी। भात खाने के बाद पता नहीं खेला जाएगा इनसे, नहीं छोले की दाल खाएंगे, ये छोले की खाएंगे, मीठा कड़ी वाले खट्टा, इसको परे लेके जाए, बर्फी की है, ठीक है। तो गाइस क्वार्टर फाइनल मैच हार के वापस जा रहे हैं, बच्चों के चेहरे पे खुशी हो रही है। हाय अब टिके बजे मनु पहला मैच हार के और हम तो फिर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। ये शख्स जो फाइनल तक पहुंचे, ये जो शख्स बातें कर रहे हैं, ये पहला मैच आ रहा हुआ है और वो भी जोली देवी से, वो भी जोली देवी से, इधर ब्रो इधर, जिन्होंने बच्चे खिलवाए थे पूरे मैच में सबसे बड़ा टप्पा किसका था ब्रो, बताइए जरा। अमन जी सबसे बड़ा टप्पा सिर्फ शो बॉल का था, मैच में किसी का भी नहीं था। पर अरे मां जो 8 पॉइंट है आंधे के तेरे 4 मुझे समझ नहीं आ रही था, लेकिन ये 4 पॉइंट गाइस हमीरपुर आए थे, हमने सोचा था कि गोलगप्पे खाएंगे लेकिन सूरज में आज गोलगप्पे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मिठाइयां मिल रही हैं चारों और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और जगमग हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, पटाखे की आवाज़ भी आ रही है बीच बीच में। यहाँ हम 6,000 का पटाखे लेंगे रात को और वो बुझाएंगे, ये 6,000 के पटाखे लेगा रात को भाई, 6,000 का एक पटाखा लूंगा। मेरे को पैसे 5 साल हो गए पटाखे किए हुए, मैं अभी करता नहीं हूँ, मजा नहीं आता पटाखे करने, तो बट मैं लूंगा 6,000 का पटाखा, मैं पूरी रात में जाऊंगा 6,000 की भाई, 6,000 में मैं 1,000 रुपए की मिठाई ले आऊंगा, 1,000 रुपए की कौन से पटाखे की बात कर रहा है। तो पहली बार आए व्लॉगर्स, ओके सो गाइस आज है दिवाली, गंदे गंदे नहीं आंदे तुछाड़ी यार, तुछाड़ी आना। तो गाइस दिवाली की शुभकामनाएं सभी को, और आज दिवाली है हमारे ताई जी के घर में, ताई जी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, और आशु आया है, ईशु भी आई है
रिशु भी आया है तो सभी से मिलवाते हैं, यहीं पे होंगे अंदर बैठे हुए। दादाजी मार कौन डालिए दिया रोटी। गाइस हैप्पी दिवाली, कानू जी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो गाइस आज हम जा रहे हैं हमीरपुर शॉपिंग के लिए दिवाली वाले दिन, और आज हमने सेम डाला हुआ है ब्राउन कलर, इसने मेरे को कॉपी करा है। और अभी देखते हैं, मिलते हैं, काफी दोस्त आ रहे हैं, कजन भी जा रहे हैं साथ में, तो वो पीछे आएंगे, वो थोड़ा लेट हो गए तो हम पहले निकल रहे हैं, और मिठाइयाँ लेंगे, शॉपिंग करते हैं और दिवाली मनाते हैं। यू हैप्पी दिवाली। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हमीरपुर में, साथ में है हिमांशु और ये हमारे साहिल कानगो भाई साहब ने शॉप लगाई हुई है आज अपनी लाइट्स वगैरह की। बताते हैं थोड़ी देर में क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं। और हिमांशु को क्या लेना है, तेरा बुगनी लेनी है इसको कुत्ते वाली दिवाली में, वो लेते हैं। तो गाइस सारे कजन मिल चुके हैं और सभी के सभी, देखो भाई साहब इनको कुर्ते पजामा और रिश्वत हमारे साथ आ रही है। हैप्पी दिवाली। तो गाइस घूम रहे हैं, ये हमारी तुम जो भेजी भाई, भीड़ बड़ी भारी है, पहले दसिंदा वो उसते आगे इतनी कोई भीड़ नहीं, उसते आगे देखिए कितनी भीड़ है। गाइस देखिए हमें कौन मिला है, हमें मिला है दसिंदा ब्लॉगर, और भाई जी भी आज पूरा मजे से एकदम दिवाली पे घूमे हुए हैं एंड बंठन के, जिनकी ब्लॉगिंग चली हुई है। और सर क्या प्लान है दिवाली का, क्या क्या शॉपिंग ऐसी है भाई? शॉपिंग तो कर ली है, बाकी थोड़े बहुत पटाखे हैं भाई, धमाका भी तो करने ना घर में। चलो ठीक है भाई, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो जैसे मेरे को। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है मार्केट में, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। और मैं जा रहा हूँ अमूल पार्लर, क्योंकि सारे कज़न वहीं पे बैठे हुए हैं मेरे, और ये सामने से मेरे गांव के कुछ चिल्लर पार्टी आ रही है, सुबह से निकले हुए घर से अभी तक भी यहीं पे घूम रहे हैं। तो अभी चलते हैं अमूल पार्लर और चल के आइसक्रीम खाते हैं। तो जिंदा कौन कौन सी हैं देखो, सब लेट आए, मेरे कंजर बैठे हो यार अंदर सारे, मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ पहले। ओ गाइस देखिए इन सभी को, इतनी भी तारीफ नहीं करनी थी भैया जी। ऐसे दीपू भैया ने अभी हमें बताया कि जो बटर स्कॉच फ्लेवर है वो बनता है, जो रेकून्स होते हैं उनको कॉफ़ी खिलाते हैं, फिर उनकी जो कोटी होती है उससे बटर स्कॉच बनता है, और इनको इतना टेस्टी लगता है कि कौन सा मैं नहीं खा रहा वो ये बटर स्कॉच खा रहा है वो, मैं यहाँ कौन सा खा रहे बटर स्कॉच। गाइस अगर किसी को पता है कि किससे बनता है बटर स्कॉच तो कमेंट करें, नहीं तो सभी छोड़ देंगे खाना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पटाखे लेने के लिए, और आज पटाखे लगे हुए हैं बीएसएनएल एक्सचेंज के साइड में, बिल्कुल यहाँ पे लंबी दुकानें लगी हुई हैं, इस बार यहाँ की परमिशन मिली है सभी को। और अभी गाड़ी लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, और गाड़ी लगाने के लिए जगह भी मिल गई है हमें, और मैं आपको पूरा मिरर बैक मिरर व्यू बताता हूँ कैसे गाड़ी लगा रहे हैं अंकित। देखिए ये काजे का ड्राइवर हमारा, चार परिंदे चलते हुए, आइए थे मेरे दोस्त अनुराग भाई, जय श्री राम, पटाखे ही पटाखे, पटाखे ऐसा पटाखा कहीं नहीं मिलेगा जो हम देंगे। आइया आइया गाइस अभी हम ले रहे हैं स्काई शॉट, और स्काई शॉट नहीं स्काई शॉट भी तो ले रहे हैं। 300 मीटर जान तक, 300 मीटर तू ना अपनी किन्या तू नापनी किन्या मुझे दस भैया, ये 300 मीटर नापेगा कैसे, मेरे को कोई बता दो। तू जो नहीं आंदा करना, आपको आपको कैंडल बननी है
तो अभी वापिस जा रहे हैं घर की और साथ में है प्रिंस और तन्नु और अभी घर पे जाके रंगोली बना देंगे और दिए जलाएंगे। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और आए हुए हैं दीतू और आदु और अब हम थोड़ी देर में रंगोली मम्मी भी आए हैं हैप्पी दिवाली। तो थोड़ी देर में हम बनाएंगे रंगोली बाहर वाली मम्मी बनाएंगे अंदर वाली मैं बनाऊंगा। आज मैं नहीं बनाऊंगी दीतू बनाएगा। आज बाहर वाले दीतू बनाएंगे इकट्ठे बनाएंगे ठीक है। जिमी भी बनाएगी हमारे साथ। जिमी उठ जा। नो रिस्पांस। हैप्पी दिवाली। मैं वो मंगाना है मैं भैया जी सुई जा रहा है ये पीछे धुआं छोड़ते हैं इसके ऊपर हम चल सकते हैं क्या गाइस। अभी हम बना रहे हैं रंगोली मैं और आदू और जीतू परे वाली साइड बना रही है। तो अभी जैसे हमने स्टार्ट किया है और यूट्यूब से देख के बना रहे हैं देखते हैं थोड़ी देर बाद बना के बताते हैं आपको कि कैसी बनी है। बनी रही है। तो गाइस फाइनली हम रंगोली बना के ख़त्म कर चुके हैं वो लगवा थे हमें 2 घंटे लग गए और ये बनी है हमारी रंगोली कुछ ऐसी। कमेंट डाउन करके बताइएगा रंगोली कैसी बनी है और देखिए जिन्होंने कोई हेल्प नहीं करवाई वो भी आ गए हैं अपना हिस्सा मांगने। ओह बताइएगा गाइस कैसी बनी है। दीतू ने बहुत हेल्प करवाई और आदू ने भी बहुत हेल्प करवाई। अब ये यहाँ पे जो हमने लंगार डाला हुआ है हम इसको उठाएंगे। ये मेरा भाई पता नहीं कौन से पटाखे लेके आया है उग्रवादियों की तरह बम फेंक रहा है। ओ भाई तेरी परछाई दूसरी नहीं ओ भाई पटाखे कर मेरा भाई अंदर भेज रहे पटाखे नीचे से दरवाजे के नीचे जगह बच गई मां से अंदर पटाखे भेज रहे यार। ओ भाई एक और पटाखा है। नहीं 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 दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह है वहां से ना अंदर पटाखे निकल रहे। ओ भाई एक और भेज दिया गाइस सेना चल पड़ी है पटाखे करने के लिए और पहले से ही यहाँ गोला ओ भाई और ये देखिए बड़े बड़े लोग दूर दूर से आए लोग स्काई शॉट लेके आए लोग ये भरत मिलाप होता हुआ करने के लिए स्काई शॉट करेंगे लंगड़ाते हुए। भाई आज पटाखे ऊपर गिर गए तो मेरे से भागा नहीं जाएगा क्योंकि ओ भाई भगवान इतनी जल्दी नहीं सुननी होती है। बॉबे रुको बॉबी भाई भाई आड़े भी माफ करो स्काई शॉट को आग लगा दिया। मैं तो जो बोल रहा था भाई ठीक ला दे भाई लगा दिया इन्होंने मैं सीढ़ियों के ऊपर जा रहा हूँ ये पहले सभी भाग रहे भाई फिर अपनी
और एक तो ये बंदा नजदीक ही आता जा रहा है, अब यहाँ पे लगा दिया। किधर लगाया खाने? ये थी कार। ओ भाई भाई इसको मत करो। गाइस ईशु को चिढ़ाते हैं थोड़ा। वाह ईशु, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ अल्लाह गर्ल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप इतनी खूबसूरत कैसे लग सकते हैं? देखिए आप नजर मत लगाइए, अगर हम खूबसूरत लग रहे हैं तो हमें नजर का टीका लगाइए, क्या कहते हैं? छड्डी दिखा था जी उड़ा था। हाँ बहुत बढ़िया, चला गया ये पाकिस्तान में जाके लैंड हो जाना भैया। हमारे बीच एक और ब्लॉगर आता हुआ। चैनल का नाम बताइए जरा, वो सच के बताएंगे। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको हैप्पी दिवाली सभी को, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बने रहिए ब्लॉग्स के साथ। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, और दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।